करनाल मेरठ रोड पर स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में आज बड़ी संख्या में विभाग की ओर से एवं ठेकेदार द्वारा लगाए गए चौकीदार अपनी सैलरी न मिलने के चलते इकट्ठे होकर अपना रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि गत दिनों त्योहारों के दौरान भी उनको सैलरी नहीं मिली, जिससे उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार कई कई महीने तक उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है, जिससे पीड़ित होकर वे आज DFSC व ठेकेदार से मिलने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी सैलरी समय पर देने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर काफी संख्या में चौकीदार मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कौन लोग आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सैलरी के लिए इकट्ठे हुए हैं तो और ब्याज सारे है, 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दी हमारे। किस चीज में काम करते हो आप? फूड सप्लाई में। हाँ, तो 3 महीने हो गए, आज कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं? 85 आदमी। क्या मांग करते हैं? अपनी सैलरी के लिए मांग रहे थे। हाँ जी, तो 4-4 महीने होगी, 5-5 महीने की तनखा रुक रही है। एक एक महीने हर साल का इसका यही काम है। आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? पेमेंट के बारे में इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, क्या मांग करते हैं? हाँ जी, पूरे टाइम पर कौन नहीं दे रहा? क्या कहते हैं? कहते हैं जी देंगे, बजट नहीं। 4 महीने हो गए। तो आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप लोग? आज सैलरी के लिए इकट्ठे हुए, हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या मांग करते हैं? हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। 4 महीने हो गए, हर महीने सैलरी आनी चाहिए 10 तारीख से पहले। इतना 4 महीने हो गए, गरीब आदमी लग रहे हैं सारे। तो किससे मिलने आए हैं आज आप लोग? आज DFSC साहब से मिल रहे हैं, ठेकेदार से मिल रहे हैं, ठेकेदार आएगा। कितने लोग आए? 150-200 बंदे। क्या नाम आपका? सोनू। कहाँ काम करते हैं आप? करनाल में करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।